नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपने फिल्मों में या फिर जू में गैंडे को तो देखा ही होगा। ये गैंडे एक शाकाहारी जानवर होते हैं जो घास, झाड़ियाँ और पत्ते खाकर अपना गुजारा करते हैं। आपने देखा होगा कि गैंडे की थूथन पर एक सिंह होता है, पर आपको बता दूं कि सिंह काफी महंगा होता है और इतना महंगा होता है कि इससे सस्ता तो सोना आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि गैंडे के सिंह में ऐसा क्या होता है जिस वजह से इतना ज्यादा महंगा होता है और ये सिंह किस काम आता है? तो अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उस गैंडे को अंग्रेजी में राइनोसोरस कहा जाता है, पर एक गैंडा धरती पर पाए जाने वाले जानवर में हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है। और पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 5 प्रजातियां ही पाई जाती है, और जिनमें 2 अफ्रीका में और 3 दक्षिण एशिया के देशों में मिलती है। एक गैंडे की ऊंचाई 6 फुट तक हो सकती है और इनकी लंबाई 11 फुट तक बढ़ सकती है। पर एक गैंडे का वजन 2000 किलो से लेकर 2700 किलो तक हो सकता है, लेकिन भारत में एक गैंडे का वजन 3800 किलो भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। दोस्तों, भारत में ये गैंडे असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। और भारतीय गैंडों की 2/3 आबादी, जो लगभग 2400 के आसपास है, यही पाई जाती है। गैंडों की जो स्किन होती है वो काफी मोटी होती है, लेकिन ये नरम होती है और इस वजह से इन्हें सूरज की रोशनी से नुकसान पहुंच सकता है। और इसलिए ये अपनी चमड़ी को सुरक्षित रखने के लिए उस पर कीचड़ मल लेते हैं, जिससे सूरज की तेज किरणों के साथ साथ कीड़े मकोड़ों से भी बच जाते हैं और कीचड़ में नहाने में भी इन्हें काफी मजा आता है। दोस्तों, गैंडे की थूथन के ऊपर जो सींग होता है वो असल में सींग नहीं होता है, बल्कि ये हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है। और ये उसी चीज से बना होता है जिससे हमारे बाल और नाखून बने होते हैं, यानी ये केराटिन प्रोटीन से बना होता है, यानी कि गैंडे की सींग में केराटिन होता है। और इस केराटिन की कीमत ही काफी ज्यादा होती है, ये सोने से भी काफी ज्यादा महंगा होता है। और इसी केराटिन की वजह से गैंडे की सींग काफी महंगे भाव में बिकते हैं और इसे चाइना में जादुई दवा भी कहा जाता है। और गैंडों के ये सींग मेडिकल फील्ड में काम आते हैं। और आपको बता दें कि गैंडे के एक सींग की लंबाई 4 फुट 9 इंच तक मापी गई है, और गैंडों के इन सींग की वजह से इनका शिकार कर लिया जाता है। हालांकि अब इन गैंडों के शिकार को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, और ये भी कोशिश की जा रही है कि गैंडों के सींग का कारोबार लीगल हो जाए, जिससे कि इनके दाम कम हो जाएं, जिससे कि शिकारी इनका शिकार ना करें। वैसे आपको बता दूं कि इनके सींग काटने से गैंडे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, जिस तरह हमारे बाल और नाखून काटने से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और ना ही कोई दर्द होता है। ये बिल्कुल एकदम वैसा ही होता है, यानी कि इससे गैंडे को कोई दर्द नहीं होता है। और जब एक बार इनके ये सींग काट दिए जाते हैं तो ये बाद में वापस आ जाते हैं। बता दें कि सींग के हर एक ग्राम की काफी ज्यादा वैल्यू होती है और इसे काफी एक्यूरेट तरीके से तोला जाता है। और एक गैंडे की सींग में पाए जाने वाला केराटिन एशिया में सोने से भी ज्यादा महंगा बिकता है। और अगर बात की जाए इसकी कीमत की, तो ये $1,00,000 पर किलोग्राम तक बिकता है, यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से गैंडे की एक सींग की कीमत लाखों रुपए में होती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 50% मेल और 30% फीमेल गैंडों की मौत लड़ाई की वजह से होती है। इसके अलावा अगर कोई शिकारी गैंडे को गोली मार दे तो ये दूसरे जानवरों की तरह टांग फैलाकर नहीं पड़ा रहता है, बल्कि ये सीधा बैठे बैठे ही मर जाता है और ऐसा लगता है जैसे ये सो रहा हो। दोस्तों, जब एक माता गैंडे को जन्म देती है तो जन्म के समय गैंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सींग निकलकर बढ़ने लगता है और एक गैंडा 40 से 45 साल तक जी सकता है। गैंडों की सूंघने और सुनने की शक्ति काफी अच्छी होती है, हालांकि इनकी आंखों की रोशनी कुछ खास अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, ये गैंडे आपको भले ही देखने में एक भारी भरकम जानवर लगते हों, लेकिन जब ये अपनी पर आते हैं तो 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। दोस्तों, अब अन्य जानवरों की तरह गैंडों की आबादी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इसकी एक मुख्य वजह है इनका शिकार। साल 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में एक सींग वाले 102 गैंडों का शिकार देश भर में हुआ था, और इनमें बीते 2 सालों में 32 गैंडों को शिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। और आज जंगली हालात में सिर्फ 3000 से कुछ ज्यादा भारतीय गैंडे जीवित हैं, और इनमें से लगभग 2000 तो भारत के असम में पाए जाते हैं। वैसे कुछ भी कहा जाए, लेकिन एक गैंडा एक बेहद शानदार जीव है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।